पहले तो एक लंबे संघर्ष के बाद जो बेल हुई है उसके लिए उसके फैमिली मेंबर्स को मुबारकबाद, और वो भी लोग काफी परेशान थे। उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अपनी टीम को जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, वकीलों ने खास तौर पे हमारे जूनियर ओझा साहब ने और यशवर्धन ओझा ने जो इसमें मेन हमें असिस्ट कर रहे थे, और बाकी सब दोस्तों ने भी जो दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी से जेल से बाहर आए। हमने जो बेल के लिए जो बहस की थी जज साहब के सामने वो मेनली ये थी कि इसे ना सिर्फ झूठा फंसाया गया केस में, बल्कि सबूत अब जिरह के बाद ये भी आ चुके हैं कि कुछ और लोगों ने शायद ये काम किया था, ये मर्डर किया था, और उसमें इसको दूसरी वजहों से जो सच्चाई नहीं है उस वजह से इस केस में इसे फंसा दिया गया। जो प्रोसिक्यूशन और पुलिस थी उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही हीनियस ऑफेंस है और इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वही उनका सबसे बड़ा सबूत है, मगर जज साहब ने हमारी बात मानी और ये एक और बेल दी इस प्रिंसिपल पे कि इतने दिन हो गए जेल में एक तो।